हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं झारखंड वुमेन T20 में होने वाले आज के दूसरे मुकाबले की। ये मुकाबला किस किस के बीच में होने वाला है? होने वाला है यहाँ पर धनबाद और दुमका के बीच में। अब आप ये देख कर चलो कि भैया दोनों ही टीम्स एक एक मुकाबला खेल चुकी हैं और दोनों ही टीम्स अपना पहला पहला मुकाबला हार कर आई हैं। ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दोनों ही टीम्स की नहीं रही और चेस कर रही थी दोनों की दोनों टीम्स। तो हो सकता है कोई एक टीम आपको यहाँ पर आज जीतती हुई दिखे, मतलब हो क्या सकता है, जीतेगी ही जीतेगी। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चौथा मुकाबला है टूर्नामेंट का, खेला जाएगा धनबाद और यहाँ पर दुमका के बीच में। 15 फरवरी को मुकाबला होने वाला है, JSCS स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में मुकाबला होगा। रांची में आपको मुकाबला लाइव देखने को मिलेगा। 2 बजे आप ये मैच लाइव देख सकते हो। बैक टू आपके पास मुकाबले हैं, 1 बजे अभी आपको ECS T10, फिर 2 बजे ये और फिर 3 बजे आपको दोबारा ES T10 देखने को मिलेगा। अब अगर यहाँ पर हम बात करें तो दोनों की दोनों टीम्स अपना पहला पहला मुकाबला हार कर आए हैं। ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं है दोनों ही टीम की। टीम 41 से हारी है तो दूसरी टीम 46 रन से हारी है। वेदर रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, रेन के कोई भी चांसेस नहीं है। 57% यहाँ पर ह्यूमिडिटी है, +17 डिग्री सेल्सियस आपके यहाँ टेम्परेचर रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो बॉलर्स के लिए है बहुत कुछ है, मतलब सबका। तो मेरे हिसाब से तो बॉलर के लिए, बैट्समैन के लिए तो कुछ है ही नहीं। और सेकंड हाफ की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड हाफ में हर बार आपने ये देखने को मिला है कि भैया पिच स्लो हो रही है सेकंड हाफ पे, तो वही चीज़ आपको देख कर चलनी है। अभी जो पहला मुकाबला हो रहा है उसमें भी ऐसा ही कुछ हाल है। पहले मुकाबले का अगर मैं आपको स्कोर कार्ड बताऊँ कि भैया अभी तक क्या चल रहा है, तो पहले बैटिंग करते हुए रांची ने बहुत तगड़ी स्कोरिंग करी है, 130 रन, और 2 ही उनके विकेट गिरे थे। बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, वही आपको देखकर चलना है। प्लेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपके पास रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग 121 रन जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर बन रहे हैं, और रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग यहाँ पर 2 बार चेस करते हुए टीम हारी है दोनों बारों। मुझे लग रहा है तीसरी बार भी चेस करते हुए टीम हार ही जाएगी, चांसेस कम है कि चेस करते हुए टीम यहाँ पर जीते। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपके पास धनबाद है, पहला मुकाबला 83/8, ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं। प्रिया कुमारी की 20 रन, फिर उसके बाद यहाँ पर सोनिया ने 12 रन के साथ 1 विकेट, उसके बाद सुलेखा आपके पास है 8 रन, फिर उसके बाद लक्ष्मी मुर्मू 10 रन, उसके बाद खुशबू आपके पास है 6 रन के साथ 2 विकेट, नीलम मेहता 3 रन, उर्मिला कुमारी 5 रन, उसके बाद शांति आपके पास है, शांति कुमारी ने 2 रन के साथ 1 विकेट। अब आप जो नीचे हैं उनको आपको रखना या नहीं रखना है वो आपके ऊपर है। वहाँ पर तो बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रहे हैं, पहले मुकाबले में आपको देख के पता ही चल रहा होगा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बट ये देखकर चलना कि दूसरे मुकाबले में आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करके दे देंगे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपके पास कौन कौन से प्लेयर्स हैं, तो शांति आपको बॉलिंग करवा कर दे रही है, +7 में ऊपर आ रही है बैटिंग करने के लिए, तो इज़ अ गुड पिक, आप आराम से ट्राई कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आपके पास उर्मिला हैं, उर्मिला ने 2 ओवर करवाए हैं, मतलब शांति से ऊपर आ रही हैं बैटिंग करने के लिए, बट ज़्यादा बढ़िया मुझे लगी नहीं। उसके बाद खुशबू आपके पास है 4 ओवर में 2 विकेट, प्रिया ने यहाँ पर 4 ओवर में 1 भी विकेट नहीं चटकाई, बट आपकी टीम में होनी चाहिए, आप ग्रैंड लीग में कैप्टेंसी वाइज कैप्टेंसी दे सकते हो क्योंकि आपको बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों करवा कर दे रही है। सोनिया इज़ ऑल्सो अ गुड पिक, तो ये दोनों प्लेयर्स तो आपकी टीम में होनी ही होनी चाहिए। दुमका DICs की अगर आप बात करोगे, पहला मुकाबला 71 रन पे ऑल आउट हो गई थी टीम, ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं। कुमारी सविता 1 रन, उसके बाद पिंकी ने 0, उसके बाद प्रियंका आपके पास है 16, उसके बाद अगर आप देखो तो भैया रूमा कुमारी 3 रन, फिर उसके बाद पी गौतम ने 12 रन करे, उसके बाद अगर आप देखो दिव्यानी प्रियदर्श प्रसाद ने 24 रन के साथ 2 विकेट, ममता ने यहाँ पर 1 रन के साथ 3 विकेट, अंजलि ने 3 रन के साथ 1 विकेट, सविता कुमारी जिसकी बहुत ज़्यादा सिलेक्शन थी उसने ज़्यादा कुछ करा नहीं ऐसे ही, मतलब अगर आप देखो ना एक आधे प्लेयर जोर थे ऐसे, यहाँ पर प्रियंका की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा थी, बट प्रियंका मान के चलो इसने कुछ करा नहीं पिछले मुकाबले में, नहीं तो बहुत बढ़िया कर सकती थी। बॉलिंग भी आपको करके दे रही है, बैटिंग भी करके दे रही है। ए बन्नो इज़ अ गुड पिक, मेरे हिसाब से आप ए बन्नो को आराम से ट्राई कर सकते हो। ममता पासवान आपके पास है 4 ओवर में 3 विकेट, देवयानी प्रसाद आपके पास है 4 ओवर में 2 विकेट, बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। शैम्पी आपके पास है, शैम्पी को हमने लिया था किसकी वजह से, जो सेलेक्शन परसेंटेज थी उसकी वजह से, 1 ही विकेट इसने झटकाई है, आप ट्राई दोबारा से कर सकते हो इस प्लेयर को। अंजलि दास इज़ अ गुड पिक, अंजलि दास आपको नीचे आकर दे रही है। दुमका आप अगर आप देखो हर एक प्लेयर के आपको स्टैट्स देखने को मिल जाएंगे, कोई भी नया प्लेयर आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी यहाँ पर हम टीम की बात डिस्कस कर लेते हैं। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहली टीम की अगर हम बात करें, प्लस प्लेयर्स हमारे पास कौन कौन से हैं उनकी अगर हम बात करें, तो यहाँ से एस कुमारी, यहाँ पर ना पी टिकरी खेल रही है ना एस हेम्ब्रोम खेल रही है, तो एस कुमारी ही आपके पास ऑप्शन में, एस कुमारी ही खेलेंगी। एल मुर्मू इज़ अ गुड पिक, के
कुमारी इज़ अ गुड पिक। नीचे अगर मैं बताऊँ ना तो भैया आपके पास जो के सबिता है इसे आप ट्राई कर सकते हो अपनी ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में तो नहीं, एंड मेहता आपके पास है। वैसे मैं के सबिता को शायद स्मॉल लीग में भी ट्राई कर लूँ, अभी के लिए कुछ पता नहीं। इसकी सिलेक्शन ज़्यादा होनी चाहिए थी, इसकी सिलेक्शन अब के लिए कम हो गई है, बट मेरे हिसाब से पी सावियान आपके पास एक बहुत तगड़ी पिक है। पॉइंट्स के हिसाब से टीम बनाई गई है ज़्यादातर अगर आप देखोगे, बट यहाँ पर पी सावियान को प्लेयर्स ने इसका पोटेंशियल जितना है उसने पिछले मुकाबले में उतना बढ़िया परफॉर्म करा नहीं, बट कर सकती है उतना बढ़िया परफॉर्म। आपके पास है एम पासवान, आपके पास है पासवान, वैसे हमारी पिछली टीम में थी और इसी ने हमें टीम यहाँ पर लीग सारी की सारी जितवाई थी। डी प्रसाद आपके पास है, एस कुमारी वी कैन ट्राई इट, बट अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप एस कुमारी को ड्रॉप करके पी सावियान को ले सकते हो आराम से। एस कुमारी आपके पास है, उसके बाद ए दास, ए कुमारी, ए बन्नो आपके पास है। मेरे हिसाब से मेरी टीम में ए बन्नो तो पक्का ही होंगी, यहाँ पर ये तीन प्लेयर्स मेरी टीम में होंगी। अब ए कुमारी को आपको रखना है नहीं रखना है वो आपके ऊपर है, बट मेरे पास भैया ए बन्नो मेरी टीम में ज़रूर होंगी क्योंकि वो उसके करियर स्टैट्स बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। मैं एक को ट्राई देना चाहता हूँ इस प्लेयर को कैप्टेंसी। पहली टीम की अगर आप बात करो तो दे रखे भैया डी प्रसाद को वाइस कैप्टेंसी, एस कुमारी, एस कुमारी, फिर यहाँ पर अगर आप देखो एल मुर्मू, के कुमारी, और उसके बाद पी गौत एस गौतम, फिर उसके बाद यहाँ पर सोनिया है, एम पासवान है, एस सलोनी, एस कुमारी, और यहाँ पर ए दास। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है, अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। दूसरी टीम की अगर मैं बात करूँ कैप्टेंसी यहाँ पर सोनिया को दे रखी है, वाइस कैप्टेंसी यहाँ पर एम पासवान को दे रखी है, एस कुमारी, एल मुर्मू, के कुमारी, पी सावियान, जी गीता, फिर उसके बाद अगर आप देखो डी प्रसाद हैं, एस कुमारी हैं, ए बन्नू हैं और ए डास हैं। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है, अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।